नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा सिंह राशि फलादेश 15-9 से लेकर 15-10-2021 में 30 डेज का जो पीरियड रहेगा। सिंह राशि लियो मून साइन चंद्र कुंडली से बात कर रहे हैं, तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ समाचार है, बहुत ही सुखद समाचार है। इस टाइम आपका सिक्का चलने वाला है। ये 30 डेज के अंदर बहुत सारे आपके रुके हुए काम, बहुत सारे रुके हुए पैसे, बहुत सारा धन वैभव आपको मिलने वाला है। कुटुंब फैमिली के अंदर आपकी बोलबाला चलने वाली है। अभी कुटुंब फैमिली में आपका ही चलने वाला है। आपको सामने से कुटुंब फैमिली के अंदर बुलाया जाएगा, सामने से आपकी राय ली जाएगी, एडवाइस दी जाएगी। आपकी राय से ही अभी सब होने वाला है। इसके लिए यहाँ सिंह राशि बहुत ही सुपर डुपर चलने वाली है। यहाँ बहुत सारे फायदे, धन, पैसा, रुतबा सब मिलने वाले हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले देख लीजिए कि आपकी जो राशि का जो लॉर्ड से सूर्य महाराज, वो खुद जाके बैठा है सेकंड हाउस में मंगल के साथ। और मंगल आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी है। भाग्य के स्वामी के साथ जब भी लग्नेश बैठता है तो वो एक राजयोग का निर्माण करता है। और सबसे पहला आपकी जो कुंडली में शनि महाराज है, उसके ऊपर गुरु महाराज अभी बैठने वाले हैं। यहाँ गुरु शनि की युति होने वाली है। यहाँ जो शनि आपके लिए नेगेटिव होकर बैठा था, वो अभी पॉजिटिव काम करेगा। शनि की जो क्षमता है, शनि की जो नज़र है, वो बहुत ही तेज गिनी जाती है। इसलिए यहाँ शनि गुरु के साथ इतना खराब फल नहीं देते हैं। इसलिए आपकी कुंडली में देखिए, शुक्र खुद आपके कर्म स्थान को देख रहा है, कर्म के स्वामी को खुद कर्म देख रहा है, मतलब कर्मेश देख रहा है। शुक्र यहाँ जब भी देखते हैं अपने हाउस को, और वहाँ सामने राहु महाराज बैठे हैं, तो ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छा राजयोग है। अभी जितने भी लियो सी राशि वाले व्यक्ति, पर्सन, भाई बहन है, उनके लिए कोई बहुत बड़ा धन का लाभ मिल सकता है। अनबिलीवेबल पैसे आपके पास आ सकते, अनएक्सपेक्टेड मनी आपके पास आ सकता है। कोई गुप्त धन, कोई गुप्त लॉटरी, कोई अचानक आपके पास पैसे आ सकते हैं। कोई विल वारसे से आपको पैसा मिल सकता है। ससुराल में आपको जाना पड़ सकता है, ससुराल से आपको कोई इनकम मिल सकती है, ससुराल से आपका कुछ लेन देन बाकी है, तो वहाँ से भी आपको अभी पैसे आ सकते हैं। वहाँ से आपको बड़ी अच्छी खासी रकम भी आपके हाथ में आ सकती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रह गोचर तेज है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा, बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो बहुत ही स्ट्रांग चल रही है। देखिए, सबसे पहले लग्नेश सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस का स्वामी थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस का स्वामी फोर्थ हाउस में। ये एक माला योग बोलते हैं, जो माला होती है, ये माला योग भी कुंडली में बहुत अच्छा गिना गया है। अगर कुंडली में ऐसे कोई ग्रह आपके पड़े हुए, जैसे सूर्य यहाँ बैठा है, सूर्य का जो लग्न का जो स्वामी है वो सेकंड हाउस में है, सूर्य महाराज। देखिए, आप समझिए चीज को, सूर्य यहाँ का लॉर्ड्स होता है फर्स्ट हाउस का, वो जाके बैठा है सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस का लॉर्ड्स जाके बैठा है थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस का लॉर्ड्स कौन होता है, शुक्र होता है, वो जाके बैठा है फोर्थ हाउस में, और फोर्थ हाउस का लॉर्ड्स जाके बैठा है सेकंड हाउस में। तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग बन गया। इसलिए बार बार ऐसे योग नहीं आते हैं। कोई बड़ा काम आपका सेट हो सकता है, कोई बड़े काम के लिए आप आंखें बिछा के बैठे हुए हैं, तो इस टाइम पे आपका कोई बड़ा काम क्लिक हो सकता है। अगर आप कोई अप्रोप्रिएट टाइम देखना चाहते हैं कि ये टाइम पे मुझे कौन से टाइम पे ये मैं काम करूँ, तो ये टाइम आपका एक्चुअल आया हुआ है, जिसमें आपको तीर मारना है, और तीर बराबर वो निशाने पे लगेगा जो निशाना आप चाहते हो। इसलिए यहाँ बहुत ही बढ़िया राजयोग चल रहे हैं। यहाँ दशम राहु, वो भी ऊंच के वृषभ राशि का राहु, वो भी दसवें स्थान में, शाहरुख खान साहब का यहाँ दशम स्थान में राहु बैठा हुआ है। आप समझ लीजिए, ये राहु बहुत बड़ा हिसाब भी आपको दे सकता है। राहु के पास ताकत है बड़ा हिसाब देने की। राहु छल कपट, अपनी बुद्धि, युक्ति, प्रयुक्ति से पैसे कमाता है, अपना नाम कमाता है, एक रुतबा कमाता है। इसलिए यहाँ राहु जिसका भी बैठा हुआ है जन्म का दशम स्थान के अंदर,
वो व्यक्ति प्रसन्न बहुत बड़ी ऊंचाई, बहुत बड़ी सिद्धि हासिल करता है। यहाँ आपके सामने एक किस्सा है शाहरुख खान साहब का, वहाँ दशम स्थान में राहु है। राहु आदमी को बहुत बड़ा व्यक्तित्व देता है, बहुत बड़ी ऊंचाई देता है। आप देख लीजिए, एक सामान्य फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ व्यक्ति पर्सन आज दुनिया के कोने कोने में लोग उनको जानते हैं। इसको बोलते हैं स्टार। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।